स्वागत दोस्तों, टूल्स इन्फो 1232 के सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टूल्स इन्फो 1232 पर। और आज हम लेकर आए आपके लिए कलर स्प्रे गन। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब के अंदर सबने अलग अलग वीडियोस बनाए ये स्प्रे गन को लेकर, लेकिन तीनों तीन स्प्रे गन का एक ही साथ में और अलग अलग पेंट के साथ जो ये वीडियो है ये पहली बार हम लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि अलग अलग टाइप की जो तीन गन है इसका ये कैसे वर्क करती है। और जो व्यूअर्स के सवाल है कि भाई हम इस पर वाटर बेस्ड कलर, डिस्टेम्पर या ऑयल पेंट या फिर हम रेड ऑक्साइड वगैरह किस तरह हम इसमें डाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ तीनों स्प्रे गन, उनका प्राइस, उनकी नोजल और इसका किस तरह से टैंक जो है वो फिल किया जाता है, टैंक की कैपेसिटी वगैरह बारीक बारीक डिटेल्स हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। और ये कितनी देर तक चला सकते हैं, हीटिंग प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, बहुत सारे व्यूअर्स हमको पूछते हैं कि ये कितना वक्त तक चला सकते हैं हम इसको लगातार। तो यहाँ पर हमने इसको लगातार इस्तेमाल किया है, टाइम लैप्स नहीं किया है, बिल्कुल हर बार इसको हमने फुल टैंक भर के ख़त्म किया है। वाटर बेस्ड कलर से लेकर ऑयल पेंट, रेड ऑक्साइड और गाढ़ा कलर भी हमने इस्तेमाल किया है। और अलग अलग सरफेसिस के ऊपर, रफ सरफेस के ऊपर, स्मूथ सरफेस के ऊपर और लोहे की चीज़ जाली वगैरह पर हमने इसको रंग कर बताया है यहाँ पर। और कोशिश किया है कि इसको हार्ड यूज़ करने के बाद भी मशीन क्या परफॉर्मेंस देती है, तो वो परफॉर्मेंस का रियल यहाँ पर हम रिव्यू और फीडबैक लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आपको ये गन ख़रीदनी है तो वो कैसे ख़रीदनी है उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे व्यूअर्स को हमने बताया है कि जो गन का वीडियो मिल जाए। और धन्यवाद आपका हमारी यूट्यूब चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? तो जैसे कि आप जानते हैं आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इसके पहले भी हमने इस प्रोडक्ट का और इसके जैसे प्रोडक्ट का एक वीडियो बनाया हुआ था, आपको बहुत ही पसंद आया था, मगर कई व्यूअर्स ने हमें कमेंट के माध्यम से बताया था, फ़ोन करके भी बताया था कि आप पूरा डिटेल वीडियो बनाइए और अलग अलग कंपेरिजन करके कि भाई कौन सा गन किस चीज़ के लिए ज़रूरी है और उपयोगी रहेगा। उसके देखते हुए हम तीन इंको के एक ब्रांड है नई उसको लेके आए हैं और ये सारे प्रोडक्ट आपको हमारे यहाँ किंग टूल सूरत पर मिल जाएंगे। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी डिटेल डाल दी है। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, डेमो के साथ हर एक गन का अलग 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 कलर और अलग अलग मटेरियल, जैसे शटर के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, दीवार के ऊपर, हर प्रोडक्ट का अलग अलग हम लोगों आपको डेमो करके बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये जो पूरा जो रेंज हम लोग लेके आए हैं अभी तक, ये तीनों आइटम हम एक साथ इसका कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम पहले दो प्रोडक्ट को साइड पर रख देते हैं और सबसे पहले एक स्प्रे गन हम अनबॉक्सिंग करते हैं आपके लिए। जैसे कि बॉक्स के ऊपर ही थोड़ा बहुत डिटेल जैसे बता देते हैं हम, वोल्टेज वगैरह 400 वॉट की ये मोटर है और जो इसका नोजल का साइज़ है वो 2.5 mm है और इसका जो स्पीड है वो 3200 RPM का, इसका 32000 RPM का इसका स्पीड है और जो वॉल्यूम है वो इसका 800 ml का इसका टैंक है और ये सिंगल फेस पे चलेगी आपकी। इसका जो वेट है वो 1.1 किलोग्राम, मतलब 1100 ग्राम का इसका वेट है। बॉक्स के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका जो डेंसिटी नापने का इसकी गलनी होती है वो है, सेफ्टी है और इसका एक यूज़र मेन्यू है, ये भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा। नोज़ल साफ करने की पिन भी है इसमें, गन है और एक इसकी दो दी हुई है इसके अंदर, इसका टैंक है 800 ml लिखा हुआ है इसके ऊपर और ये आ गई हमारी गन, स्प्रे गन। बढ़िया क्वालिटी की है स्प्रे गन, एक बार आप देख लीजिए, प्राइस वगैरह जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन। तो इसका हम एक बार क्वालिटी चेक कर लेंगे, वायर भी अच्छा है और नॉर्मल किस्म का वायर है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है और वायर भी थोड़ा छोटा है। इसके अंदर आपको एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। ये इसका टैंक है और ये इसका टैंक के अंदर मैंने गन लगा दिया है। यहाँ से आपको ऑपरेट होगा, ऑपरेट करने के लिए यहाँ से आपको पुश करके इसको घुमाना पड़ेगा। ये लॉक है ऊपर वाला, ये लॉक को आप पीछे करेंगे तब जाके ये लॉक होगा, ये ऐसे करके
ये लॉक हो गया और ये अपने जगह पे चला गया। बहुत आसान से आप यूज़ कर पाएंगे। इसको खोलना होगा आपको, ये वाला ब्लैक वाला लॉक को आप पीछे करिए, इसको ऐसे घुमाइए और निकाल दीजिए। पहले जो हमारे पास था वो हमारा स्प्रे गन था, और ये भी हमारा स्प्रे गन है मगर थोड़ा हैवी है, इसका टैंक भी थोड़ा बड़ा है। बॉक्स के ऊपर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नोजल साइज़ है 2.5 mm, पावर है इसका 650 वॉट का है और 2200 ग्राम का इसका वेट है और 32000 RPM का इसका मोटर की स्पीड है। फटाफट इसको अनबॉक्स कर देते हैं। इसका टैंक भी थोड़ा बड़ा है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर आपको जो कंप्रेसर होगा, जो मोटर बोलते हैं, वो अलग से आएगा। ये उसका पाइप रहेगा जिसके अंदर हवा निकलेगी और घूमेगी। 800 ml का इसका, वही 800 ml ही है इसमें भी कैपेसिटी वाला। और ये इसका बेल्ट है और इसकी जो डेंसिटी नापने की गलनी है। अब हमारे व्यूअर्स पूछेंगे इसका क्या उपयोग होगा, ये कलर डालने के लिए नहीं है। इसके अंदर क्या है कि आप कितना गाढ़ा कलर है, अगर आप ऊपर से डालेंगे कलर को और नीचे से ये आसानी से निकल गया, मतलब वो वाला कलर आपका इस वाले गन में और इस वाले आपका जो रहेगा उसमें चल पाएगा। इसमें कितने व्यूअर्स को ऐसे कमेंट भी आए थे कि इसका काम क्या है, तो इसका उपयोग बस इतना ही है कि इसके अंदर आप कलर डालेंगे और यहाँ से निकलना चाहिए, बस एक बार थोड़ा सा कलर डाल के आपको देख लेना है। इसके अंदर ये आप कलर डालने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मगर ये खास डेंसिटी नापने के लिए है। बिल्ला पुट्टी और उसके लिए जो हाँ, पीओपी का, तो वो नहीं चलेगा। अगर बिल्ला पुट्टी अगर आप इसमें से नाखेंगे तो वो, अगर इसका यूजर मेन्यू भी है, इसमें भी दिया हुआ है इसका साफ करने वाला पिन, देख लीजिए। प्रोडक्ट टैंक है, बेल्ट है, बेल्ट को भी मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, थैली में से निकाल देता हूँ मैं बेल्ट। ये बर्गर, एशियन पेंट, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी इसको इस्तेमाल भी करती है और मंगाती है, मगर वो क्या करते हैं अपना लोगो यहाँ पे लगा देते हैं बाहर से मार्केट से मंगा के, और वो खुद तो बनाते ही नहीं है, वो अपना लोगो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, एकदम ब्रांडेड क्वालिटी भी नहीं है और बहुत ही एकदम बकवास क्वालिटी भी नहीं है, ठीक ठाक है। वायर भी ठीक है इसका। एक बार इसको भी मैं पहले पाइप लगाने से पहले आपको चालू करके बता देता हूँ। यहाँ पे इसकी स्विच दी हुई है, बहुत ही पावरफुल इसकी हवा जा रही है, 650 वॉट है, उसके लिए इसकी ताकत ज़्यादा है। इसका जो नोजल है वो भी मैं आपको लगा के एक बार बता देता हूँ, बहुत आसान है नोजल लगाना भी। ये मैंने खोल दिया है, बस इसको सिर्फ ऐसे यहाँ पर पुश कर देना है, ये आपका नोजल लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, खास करके ये हमारे जो शटर का काम करते हैं, जो साइड पे जाके ऊंचे से काम करते हैं, जो दीवार पे काम करते हैं, दुकान है, फ्लैट है, जो फटाफट काम करना हो और जल्दी में निपटाना हो, कम कारीगर में ज़्यादा काम करना हो, उसके लिए आपको बहुत ही उपयोगी रहेगा ये, क्योंकि इससे क्या है आपका लेबर कॉस्ट बहुत ही बचेगा। अब जैसे कंप्रेसर है, कलर का कंप्रेसर आपको लेके जाना है, कंप्रेसर कहीं कहीं हमारे जो कलर वाले होते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, उनको भाड़े से लाना पड़ता है। तो ये क्या है कि अगर आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं और आपका जैसा फैब्रिकेशन का काम है, जाली वगैरह का है, कलर का काम है, तो कलर वालों के लिए तो वरदान रूप है कि जैसे आपने एक पीस इसको ले लिया है, आप अपने से इसको कलर भी कर सकते हैं और उसको वापस से जैसा था वैसा कर भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्रेसर नहीं लगेगा। लाइट आज सबके यहाँ पर है, ठीक है। ये गन के अंदर भी लगाना बहुत आसान है, देख लीजिए आप, और ये लूज होने वाला नहीं है, ये जैसे ही लूज होगा वापस और अंदर चला जाएगा। अभी ये टाइट है, अभी थोड़ा बाहर रह रहा है, ये आधे इंच जैसा, अभी इसको और लूज होगा तो ये और अंदर चला जाएगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तक तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। ये इसका टैंक है, 2100 रुपये इसका रेट है, और इसको ऑपरेट करने के लिए इसकी खास जो पद्धति है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपका ये जो मशीन है ये दिया हुआ है इसके अंदर ही आपको, ये आपका ऐसे लग जाएगा और ये गन आपके हाथ में रहेगी, ये ऐसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट हैंड हो तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड हो तो राइट हैंड। एक बार मैं चालू करके आपको बता देता हूँ, वजन कम हो जाएगा, मोटर आपकी यहाँ पर रहेगी और ये आपके पास ओनली टैंक रहेगा।
बहुत अच्छा प्रेशर है इसका भी, यहाँ से आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ये प्लस माइनस होगा और ये पूरा इसका एयर का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से खींचेगा एयर इसकी पास होगी, क्योंकि ये इसका जो कंप्रेसर है वो यहाँ पर है, वो जो स्प्रे गन में बताया था उसके अंदर ही नोजल थी, मगर इसका कंप्रेसर हमारा दूर है, तो यहाँ से हवा थोड़ी पास करके ये यहाँ से अंदर लेगा और आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। लटकाने के लिए भी यहाँ पे हुक दिया हुआ है, आप कहीं भी इसको लटका भी सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं। हमें पूछ रहे कि टू व्हीलर मैकेनिक भी जो होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका जो मेन गन का जो कलर का मेन जो फिनिशिंग रहती है वो इसकी आगे की नोजल को बनाना है। अगर आप इसको सही से ऑपरेट करके इसको सही से मैनेज करके बनाएंगे तो इसको आप फर्नीचर कलर करिए, वार्निश कलर करिए, टू व्हील कलर करिए, फोर व्हील कलर करिए, शटर पे कलर करिए, या आप घर के अंदर दीवार को कलर करिए, ये कहीं भी चलेगा। जहाँ तक कि आप गर्डर वगैरह, अगर आपका वेल्डिंग का फैब्रिकेशन का काम है तो वो भी आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। नोज़ल भी पूरा फाइबर का है, ख़राब होने वाला पीतल का या ऐसा कोई नोज़ल नहीं है, बहुत ही बढ़िया नोज़ल है ये। साफ़ करने के लिए पिन भी दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप कहीं से भी इसका डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे। लगाना और निकालना बहुत ही आसान है। इसके अंदर भी मैं आपको कलर वगैरह कंप्लीट भर के आपको पूरा वीडियो बना के बताऊँगा मैं डेमो के साथ। एक बार चालू भी मैं कर देता हूँ, आवाज़ वगैरह भी आप देख ले। बहुत अच्छी हवा आ रही है, 32,000 RPM की इसकी मोटर है और ये इतनी स्पीड में घूमती है कि आगे से इतना प्रेशर वाली हवा आ रही है। कलर आएगा तो आपको आइडिया आएगा कि कैसे कलर पकड़ पाती है। और यहाँ से आप प्लस माइनस कर सकते हैं, इसके जो फोर्स है कलर के फोर्स को वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए बहुत ही हैवी, अच्छी कैपेसिटी है इसकी। देख लेंगे अब इसका पूरा डिटेल और डेमो भी बनाएंगे, परफॉर्मेंस वाइज भी हम देख लेंगे इसको कि कैसा परफॉर्म करती है कलर डालने के बाद। इसका भाव जो है वो 1800 रुपये का है। आप किंग टूल सूरत से इसको ऑर्डर कर सकते हैं और हमें कॉल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हमारे आ गए तीसरे प्रोडक्ट पे। ये हैवी क्वालिटी है और इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 2750 के करीब इसका प्राइस है और ये हैवी मॉडल है। देख लीजिए आप, यहाँ पे सिंगल फेस है, पावर इसका 650 है वही है और नोज़ल की जो साइज़ है वो 1.8 mm है और या इसमें भी 800 ml का इसके अंदर जो टैंक लगा हुआ है और मोटर की जो स्पीड है वो 32,000 RPM की इसकी स्पीड है। स्पीड इसके अंदर ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से हवा सर्कुलेट हो और इसका जो वेट है वो 2.5 kg का इसका वेट है। फटाफट इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसका थोड़ा कंप्रेसर हैवी है और थोड़ा मॉडल थोड़ा चेंज है, वही पाइप है जो पहले वाला था मगर पाइप के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप, थोड़ा अच्छे से फिट होगा ये। और ये हमारा पूरा पहले सामान है, वो मैं सामान बाहर निकाल लेता हूँ। मैं थोड़ा वायर पतला है मगर उपयोगी है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसका टैंक है, 800 ml टैंक में है। इसकी हमारी गन आ गई, गन भी थोड़ी हैवी क्वालिटी की है, देख सकते हैं आप, लिख लीजिए। हमने सारे में देखा था प्लास्टिक था इसके पहले वाले और ये ब्रास का पीतल का उपयोग है और आगे भी इसका स्टील का ऊपर का नोज़ल है तो ये इसके अंदर वेरिएंट है। सारा हमारा इसके पहले था वो प्लास्टिक था, ये देखिए ये पूरा ये भी आप देख रहे हैं पीतल है, ये ख़राब नहीं होगा पीतल, ये ऊपर वाला प्लास्टिक है फाइबर है मगर अंदर का मेन काम करता है, यहाँ से तो सिर्फ हवा आती है। वो हमारे कलर वाले मैकेनिक कलर वाले भाइयों को भी पता होगा कि इसका उपयोग, तो और डेमो भी हम करेंगे। दूसरा सामान के अंदर इसका बेल्ट है लटकाने वाला और डेंसिटी नापने के लिए इसकी कुप्पी है। आप घर नहीं बोलते होंगे वो आप अपने अपने इलाके में इसको जो भी बोलते होंगे कमेंट करके बता सकते हैं आप हमें, तो भाई हम ये बोलते हैं इसको। देख लीजिए एक बार हम इसको असेंबल कर लेते हैं। 800 ml का इसका गन, इसकी बहुत हैवी है, बहुत यूजेबल है और हैवी गन है इसकी। गन का इसका मेन इसका कारीगरी गन में है, यहाँ से आपको इसका जो फ्लो है वो कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए आप, मैं आपको बता दूँ
यहाँ से आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, ये बाहर निकल गया पूरा। साफ़ करने के लिए कभी आपको पूरा डीप क्लीनिंग अगर करना हो आपको तो कर सकते हैं। ये मैं फिट कर दूंगा इसको। और ये हमारा स्टैंड है, स्टैंड के अंदर आपको क्या करना है, ये वाला जो ऐसे रह जाएगा, ये यहाँ पर रह जाएगा। और ये यहाँ पर पूरा स्टैंड ऐसे दिया हुआ है, ये यहाँ पर गन रह जाएगी और ये हमारा पूरा कंप्रेसर रह जाएगा। इसका जो बेल्ट वगैरह है वो भी हम खोल लेते हैं। बेल्ट भी सेम है इसका, पहले वाली गन जैसा ही है, मगर लगाने का थोड़ा तरीका अलग है। देख लीजिए आप, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, सही है। और इसका जो पाइप है वो भी खोल लेते हैं। सब ट्राई करके बताएंगे, सब डेमो करके बताएंगे आपको, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डेमो के अंदर कंप्लीट हम डिटेल डेमो करेंगे इसका। और आज नया है उसके लिए थोड़ा, अंदर रबर का रिंग भी दिया हुआ है। और ये देखिए प्लास्टिक, मैंने इतना मोड़ रहा हूँ मगर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें से हवा ही पास होने वाली है, ये कोई ख़राब होने वाला है ही नहीं, ये ओनली हवा पास करने वाला है, इतने इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे फिट कर दिया वायर, नॉर्मल सा वायर है इसका, बहुत हैवी क्वालिटी का नहीं है, काम चल जाएगा आपका और पैसा वसूल हो जाएगा आपका। वायर को एक बार लगा देते हैं, एक बार इसको ऑन करके पहले देख लेते हैं इसका आवाज़। वाह, ये यहाँ से हवा ले रहा है ऊपर से, ये जाली है देखिए, मोटर भी पूरा कंप्लीट है इसका, ऊपर से बंद हो गया। आप रख भी सकते हैं स्टैंड, अगर आपको स्टैंड नहीं यूज करना है आप स्टैंड को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दीजिए स्टैंड को। अगर आपको स्टैंड लगाना है पूरा डेमो भी, इसके बाद हमारा डेमो भी आएगा, आपको पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, जैसे हमारे व्यूअर्स का हमने बताया है कि जो गन का वीडियो और जो गन मैंने आपको बताई है उसका पूरा डिटेल हम करने वाले हैं, तो उसके मटेरियल के लिए हम लोगों यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स हमें कमेंट करके पूछते हैं कि भाई इसके अंदर मौसम कलर चल सकता है जो दीवार पे लगता है, और जो एमोडन होता है, जो टर्पेंटाइन होता है, या तो फिर जो ब्राउन कलर का जो कलर होता है हमारा रेडोक्साइड है, वो इस गन में चलेगा कि नहीं चलेगा वो भी पूछते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने 500 ml हमारा एक रेडोक्साइड लिया हुआ है, जो शटल वगैरह पर हम लोहे पर मारते हैं, और हमारे पास 200 ml का पूरे ये डब्बे है जो ऑयल पेंट के लिए है, जिसके अंदर हम ऑयल पेंट का काम करेंगे इसके अंदर, और टर्पेंटाइन है जिससे हम इसको मिक्स करेंगे, और जो दीवाल और इसके ऊपर हम लोगों डिस्टेंपर मारने के लिए, ये हमने जो आपके इलाके में मौसम भी कहीं मौसम बोलते हैं, कहीं डिस्टेंपर बोलते हैं, हर इलाके में अलग अलग इसका नाम है, मगर हम इसको दीवाल का कलर बोलेंगे, जो अभी बेसिकली दीवाल में और घर में सब जगह यही चलता है। तो उसके भी हम लोगों 3 शेड बनाएंगे, 1, 2 और 3, इसके 3 शेड बनाएंगे, ऑयल पेंट के 4 शेड बनाएंगे, और 1 शेड बनाएंगे वो हम हमारा ये जो रेडोक्साइड का बनाएंगे, उसके अंदर भी सिल्वर कलर का जो एमोडन आता है जो गाड़ी के अंदर लगता है वो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, और ये मैं लेके आया हूँ ब्राउन कलर का एमोडन। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, पहले तो सारे जो पहले ये बड़े वाले डब्बे का हम ओपन कर लेते हैं। ये सारे जो हमारे कलर होंगे इसको हम क्या करेंगे कि पूरा डेमो बताएंगे, तीनों तीन गन के अंदर अलग अलग बारी बारी सब डालेंगे। एक बार दिखा दीजिए, ये सब बोतल है, ये सब बोतल के अंदर हम डाल के बताएंगे और आपको पूरा डिटेल वीडियो बताएंगे, कि आपको फिर बाद में कोई शंका ना रहे कि भाई इसमें ये चलेगा इसमें वो चलेगा। ये हमारा वो बेसिकली जो कलर आता है एक वो है जो वाटर बेस्ड कलर, इसके अंदर हम लोग पानी डालेंगे, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 बोतल ले लेते हैं। मैं भी पहली मरतबा कर रहा हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्यूअर्स से कह रहा हूँ, मैं थोड़ा संभाल लीजिएगा।
ये बहुत ही ये हो गया है। बहुत मोटा है ये, हमारे एरिया में इसको मौसम बोलते हैं। ये वॉल पुट्टी टाइप का है, ये वॉल पुट्टी टाइप का ही इसका जो डेंसिटी है। तो अगर कोई व्यूअर्स को ऐसा होगा कि भाई वॉल पुट्टी को डायरेक्ट इसमें किन्हों ने कमेंट किया था, तो भाई गन के अंदर चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कलर शेड की बात करते हैं। हम वाटर बेस्ड कलर को इस्तेमाल करेंगे तीनों तीन गन में।
तो हमने यहाँ पर ले लिया हमारी सबसे पहली 1800 रुपये वाली जो गन है, और वो भी इफेक्टिव ही है। यहाँ पर हम जो कलर देख पा रहे हैं ये वाटर बेस्ड डिस्टेम्बर कलर है, जिसको आप घर के अंदर या बाहर मार सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ही वॉल पर हम जो करने वाले रफ सरफेस है, और आप देख पा रहे हैं प्लास्टर भी बहुत ज़्यादा चिकना नहीं है, तो हम इसको लगा रहे हैं। अगर आपका कलर इससे गाढ़ा है तो आप उसको पतला कर ले, ये वाला कलर भी हम ट्राई करके देखेंगे। दोस्तों हमारा ये काम नहीं है पेंट वगैरह लगाना, लेकिन हम आपको बेहतर आइडिया देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर हमसे भी कोई भूल होती है तो आप उसको सुधार दीजिएगा। वाटर कलर हमने यहाँ पर भरा है, अभी देखते ही यहाँ से निकलता है, थोड़ी देर हम इसको चला के देखते हैं, अगर गाढ़ा हुआ तो हम इसको थोड़ा पतला कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कलर यहाँ से निकल रहा है, लेकिन इसकी जो टिप बनी हुई है वो इतनी मोटी नहीं है, बहुत कम कलर निकल रहा है। तो मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर कलर की जो थिकनेस है, गाढ़ापन है, वो ज़्यादा है, तो हम इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देंगे, तो इसकी वजह से ये जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा और स्प्रे जो है वो स्प्रे का एरिया भी बढ़ जाएगा। मगर इतना है कि ये कलर बिल्कुल इसके रेले नहीं उतर रहे, इसके पानी की तरह वो बह नहीं रहा है, और अच्छा कवर कर रहा है गन, देख सकते हैं आप। सेटिंग डिवाइस जिसको आप खड़ा और आड़ा कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप इसमें बना सकते हैं स्प्रे। और फर्स्ट टाइम मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको पहले यूज़ नहीं किया है, तो आपके सामने यूँ समझ लीजिए बिल्कुल नया आदमी अगर इसको चलाएगा तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम इसके एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम ये सारी गन को फुल इसके लास्ट यूँ कह सकते हैं आखिरी सांस तक इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर ये गन को कॉन्स्टेंट चला रहा हूँ, कंटिन्यू चला रहा हूँ, ताकि ये टेम्परेचर लेता है या इसमें से कोई धुआं निकलता है या क्या होता है, कोई बास बदबू आती है कि नहीं, वो सारी चीज़ों के भी जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये ख़रीदने वाले हो तो आपको ये वीडियो देखना बनता है कि ये चीज़ जो है वो 1800 रुपये वसूल करेगी या नहीं करेगी। दोस्तों अगर आप अपने घर को खुद अपने घर को रंगने के लिए अगर ये गन ख़रीदना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि आपका एक रूम किचन 1 BHK 2 BHK फ्लैट है, और आपका जो कलर करने के लिए जो एरिया है वो अगर 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट 3000 स्क्वायर फीट जैसा भी हो रहा है, तो आप आसानी के साथ इसमें कलर कर सकते हैं। दोस्तों कई बार हमें लोग पूछते हैं कि ये गन जो है वो आप कॉन्स्टेंट कितना चलाओगे। देखो इसमें मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और सामान्य बात आपको कर दूँ कि इसकी जो टैंक है वो 800 ml की है, ठीक है। आप 800 ml की टैंक भरने के बाद जब इसको पेंट करना शुरू करेंगे तो 800 ml की पेंट की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ तक इसमें कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको इसको बंद करना पड़ेगा और इसमें जो कलर है वो आपको भरना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं ये पत्तियाँ उड़ाकर ये बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार इसका हवा का जो फोर्स है वो है यहाँ पर निकलता हुआ, और कलर मैंने वापस इसमें फिलअप किया है। आप भी इस प्रकार कलर फील कर करके अपना जो घर है या अपना एक्सटीरियर है या एक्सटीरियर वॉल है उसको आसानी के साथ कलर कर सकते हैं। दोस्तों मशीन बढ़िया है, फॉर्म अच्छा काम कर रही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसमें अलग अलग प्रकार के पेंट जब इस्तेमाल करेंगे तो साबित हो जाएगा, हमारे सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा कि ये बिल्कुल इस्तेमाल करने लायक चीज़ है या नहीं है, ख़रीदने लायक है या नहीं है। दोस्तों ये अभी तो सिर्फ एक टाइप का कलर है, इसके बाद हम रेड ऑक्साइड और ऑयल पेंट कलर भी इस्तेमाल करने वाले हैं, अलग अलग सरफेसिस के ऊपर उसको लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में बने रहेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने दो गन तो देख ली है, अब हम यहाँ पर तीसरी टाइप की जो सबसे हैवी गन है, जिसका कंप्रेसर अलग दिया हुआ है और गन अलग है, वो वाली चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि इसका प्राइस है 2750 2750 रुपये, वो नहीं वो और अपने घर में कलर प्राइस के हिसाब से ये परफॉर्म बढ़िया कर रही है, बहुत ही ब्रॉड इसका जो कलर है वो निकाल रहा है ये, और टैंक भी यहाँ पर हमने लगा दिया है। पहली बार इस्तेमाल करने पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और फर्स्ट टाइम मैंने इसको कलर इसमें फील किया है, और ये आप देख पा रहे हैं प्लास्टर भी काफ़ी गंदा है, लेकिन कलर का कवरअप अच्छा है, बिल्कुल यहाँ पर गाढ़ा पेंट किया हुआ है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अच्छे से कलर हो रहा है। इसके बाद हम इसका शेड बदलेंगे और वापस यही तीन गन के अंदर अलग अलग कलर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो रेड ऑक्साइड वगैरह यूज़ करने वाले हैं, तो
आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों, अगर आपका काम है या आप अपने शौक के लिए या आप अपने घर को पेंट करने के लिए ऐसी कोई चीज़ इस दीपावली के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइडेंस दे देंगे कि ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए नहीं लेना। आज के वक्त के अंदर चाइना प्रोडक्ट्स और बहुत सारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स और काफ़ी भरमार है दोस्तों। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है या उसके ऊपर यहाँ की कोई ब्रांड का नाम लगा दिया जाता है, तो इतना ये ज़रूरी नहीं है। आप अपना काम जो है वो होना चाहिए और चीज़ जो है उसके RPM कितने हैं या उसकी नोज़ल टिप की क्या साइज़ है और हमारा जो एम है, हमारा जो हेतु है, हमारा जो मकसद है वो उसमें पूरा हो पाएगा कि नहीं, वही हमको देखना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस बार हम जैसे जैसे वर्क हमारा बढ़ रहा है, हम इसकी जो कैपेसिटी अच्छी होती जा रही है। जैसे पिछली बार इसमें से जो फ्लो था वो इतना गाढ़ा नहीं निकल रहा था, अब यहाँ पर कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होते जा रहा है। तो जैसे कि आप कभी भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, और अगर आप उसको यूज़ टू हो जाते हैं, उसको करने में थोड़ा माहिर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। और इनमें बता दूँ कि ये वाटर बेस्ड कलर है और इसके बाद जब हम ऑयल पेंट कलर करेंगे तो इससे भी बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। वीडियो को आप अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल।